गुड मॉर्निंग वाला फ्यू। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे। देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट थ्री टाइप्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। क्या कहते हैं, पहला हमारा जो टॉप लेवल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और थर्ड वन क्या होता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल को हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, या लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं। तो तीनों लेवल मैनेजमेंट हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया है कि इसमें देखिए जो एक पिरामिड शेप में है, ठीक है, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं। मतलब एक ऐसा है मैनेजमेंट जो हमारे पूरे ऑपरेशन किस तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। हम तीनों मैनेजमेंट देखते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री हो, उस फैक्ट्री इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें तीन लेवल चाहिए रहता है। तो तीन लेवल को हम उसको उस फैक्ट्री इंडस्ट्री को हम जो है उस तीन लेवल में कैटेगराइज करते हैं, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं जो उस चीज को कंट्रोल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं, या जनरल मैनेजर हो गए, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, या चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर, या कंपनी फाइनेंशियल ऑफिसर। ये तमाम लोग जो होते हैं आप किसमें होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन कौन होते हैं, परचेज मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, एचआर मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। और आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, क्लर्क्स, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने टॉप लेवल के होते हैं उनकी अथॉरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अथॉरिटी क्या होती है, टॉप से डाउन चल जाती है। मतलब ऊपर की अथॉरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि ये ऑफिस जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो ये चीज जो चीज अपनी पावर पर देते हैं, अथॉरिटी मतलब कि इनके पास पावर ज्यादा है, तो ये पावर को डेलीगेट करते हैं कहां, टुवर्ड्स द लोअर लेवल। सपोज एग्जांपल तो मैं समझता हूं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है जी, है वो क्या करते हैं कि अपने पावर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी ऑर्डर किया, जो कुछ भी इन्होंने डेलीगेट किया, उनसे तमाम नीचे जो मिनिस्टर लोग उसको फॉलो करेंगे, उसके मिनिस्टर जो बात कहेंगे वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स उसको फॉलो करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो ये इस तरह क्या होता है कि किसी भी इंटरप्राइजेस, किसी भी कंपनी में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो इन चीजों बातों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो अच्छी एक चीज और बताया हमने आपको कि इसमें क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती रहती है। अब अकाउंटेबिलिटी का ऊपर से नीचे की ओर अकाउंटेबिलिटी जाती रहती है, जवाबदेही। मतलब कि अगर आप ऑथोरिटी पावर ऊपर नीचे आ रहा है तो आपकी जवाबदेही भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब आपको अगर कोई कंप्लीशन टास्क नहीं हो पाया तो आपकी जवाबदेही क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि अगर टास्क हमारे पावर ने इन्होंने दिया, ऑथोरिटी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, माने बोर्ड डायरेक्टर से किसी ने कहा तो इनको पावर दी, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल क्या कि सुपरवाइजर लिया, लेकिन जो जवाबदेही होगी लोअर लेवल से ऊपर की हो जाएगी। मतलब कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को जवाब इनको देना पड़ेगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल क्या होगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल का क्या, मिडिल लेवल जवाब आगे का अभी इस काम को पूरा किया कि नहीं किया। तो जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है कंप्लीशन ऑफ टास्क की, ये नीचे से बॉटम से टॉप जाएगी, और जो हमारी ऑथोरिटी होगी पावर ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट काम क्या होता है, इट इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। ये क्या करता है, ये तय करता है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑपरेशन की क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सपोज यार कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री ओपन है, तो मान लीजिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखेगा कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर में कितना हमें प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, हमें कहाँ का कितना प्रोडक्शन करवाना है मुझे, ठीक है, हमें मेरा रेवेन्यू इस वक्त मेरा प्रॉफिट 10,000 करोड़ चल रहा है, अगले 2 साल में हमारा प्रॉफिट कम से कम 50,000 करोड़ होना चाहिए। एक तरह का कंपनी क्या तरह का ऑब्जेक्टिव तय करती है कि हमें अपने गोल को किस तरह से अचीव करना है। दूसरा क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। ये क्या करते हैं, ये तमाम प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाते हैं,
कि जिस पर जो जो पॉलिसी प्लान बने उसी के हिसाब से मिडिल लेवल क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये प्लान पॉलिसी बना देंगे उस पर लोग क्या करते हैं काम करें। जैसे कि एग्जांपल तौर पर देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गृह सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो क्या करते हैं प्लान पॉलिसी बनाते हैं और वो क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीज़ को क्या हो सके इम्प्लीमेंट हो सके। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज होती है सॉरी जितने प्लान प्लान पॉलिसी होती है टॉप लेवल बनाते हैं जो उसके बाद एग्जीक्यूट होता है मिडिल लेवल पर। और क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय मिडिल मैनेजमेंट, ये तमाम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ठीक है जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कर दिया फंक्शन टॉप लेवल कर दिया उसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर तरीके से ठीक है उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल कर दिया लेकिन उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना कौन करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या काम होगा किस तरह से करेंगे ये कौन करेगा आपका मिडिल लेवल करेगा। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस फिक्स एसेट्स ठीक है अब कई कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को हमें अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कंपनी एस्टेब्लिश करना है कितने पैसे लगेंगे कितने कैपिटल्स लगेंगे कितने फिक्स एसेट कितना प्लांट मशीनरी ये सब कौन बिल्डअप करता है हमारा टॉप डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्या हमारा रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑपरेशन किसी भी कंपनी की ऑपरेशन की वेलफेयर ठीक है उसका ग्रोथ उसका सर्वाइवल ये कौन देखता है हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखता है कि कंपनी कितना कंपनी क्या क्या वेलफेयर प्रोवाइड करेगी अपने एम्प्लॉइज को ठीक है कंपनी कितना कॉस्ट कवर अप कर लेगी कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो कितना प्रॉफिट कमा लेगी ताकि कंपनी सर्वाइव कर ले। तो ये तमाम जो थिंकिंग पॉलिसीज हैं ये हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है जिसमें क्या होता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल आता है। नेक्स्ट क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है लाइजनिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है लाइजनिंग मतलब होता है कि कॉन्टैक्ट आउटसाइडर वर्ल्ड से जैसे सपोज दैट कोई कंपनी कोई नया चीज लॉन्च करने जा रही है तो वो मीडिया को बताएगी हम ये चीज करने जा रही है ठीक है। कभी क्या होता है कंपनी के अंदर तमाम तरीके की जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं तो वो क्या करती है गवर्नमेंट बॉडी से भी अपने इंस्पेक्टर को बुलवा करके अपने चेकिंग करवाती है कि देखिए मेरा इस फंक्शन सही है हमारा पॉल्यूशन का मेजरमेंट सब कुछ सही है ठीक है हमारी फैक्ट्री में ये सब जो जो चीज सैनिटाइजेशन है ठीक है ये जो वर्किंग प्लेस है वो काफी सब हेल्दी है ये तमाम चीजें क्या करती है गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज आगे चेक करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो बाहरी लोग से क्या करते हैं बातचीत भी करते हैं। नेक्स्ट क्या टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अमंग डिपार्टमेंट। अब ये क्या करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है जो तमाम तरह की जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ठीक है कंपनी के अंदर ठीक है अलग अलग तरीके से जो काम करते हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज क्या करती है इंटीग्रेट करती है इंटीग्रेट मतलब जोड़ती है और जितने भी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक साथ यूनाइट करके गोल को अचीव करने की कोशिश करती है। तो ये कौन करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल तो जैसे इंडिया में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है ठीक है अभी क्या वायरसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है हमारे इंडिया में तो गवर्नमेंट क्या करती है तमाम स्टेट लोग से एक दूसरे से मिलकर कोऑर्डिनेट करके उस चीज को हराना है। तो उसी तरह हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करती है कि जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो डिपार्टमेंटल्स के हैं ठीक है उन सभी डिपार्टमेंटल की एक्टिविटीज को यूनाइट करके गोल को अचीव करती है। और क्या करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट एनालाइज द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट आस पास की जो इन्वॉल्वमेंट है जो हमारे कंपटीटर्स हैं ठीक है हमारे आस पास जो कंपनीज हैं ठीक है जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं इकोनॉमिकल फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लीगल फैक्टर उसको प्रॉपर तरीके से क्या टाइम टू टाइम एनालाइज करती रहती है कि जो सिचुएशन कहाँ जा रही है मार्केट की क्या डिमांड है पब्लिक की क्या चॉइस है उसी हिसाब से क्या करते हैं कंपनी अपनी पॉलिसीज भी क्या करती है चेंजेस करती रहती है। तो ये हमारा क्या ओवरऑल ये टॉप लेवल का फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल का फंक्शन क्या क्या होता है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पढ़ेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। तो मिडिल लेवल का फंक्शन क्या क्या है पहला हमारा क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय योर टॉप लेवल टू द लोअर लेवल।
जो टॉप लेवल जो हमारी प्लान एंड पॉलिसी बनाती है वो मिडिल लेवल क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेट मतलब उसको एक्सप्लेन करता है, बताता है कहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट पर, ताकि लोअर लेवल मैनेजमेंट उसकी अकॉर्डिंग क्या करें, उस वर्क को कर सके। दूसरा हमारा क्या है, मिडिल लेवल फंक्शन क्या करता है, इट इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज। ये क्या करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है जो डिपार्टमेंटल में, और वो क्या करता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाया है प्लान पॉलिसी उसको क्या करता है एग्जीक्यूट करता है, ताकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से उसको फंक्शन कर सके। थर्ड वन क्या है, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय। अब मिडिल लेवल क्या होता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि जब किसी लोअर लेवल और लोअर लेवल पर या मिडिल लेवल पर भी क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय की हमें जरूरत पड़ती है या मैन पावर एक्सटेंड करना पड़ता है, मैन पावर बढ़ाना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करता है, उनका सिलेक्शन करता है और क्या करता है उनको वेलफेयर प्रोवाइड कराता है उनको, ठीक है, तमाम चीज़ें जो फंक्शन को देखना होता है, जैसे मान लीजिए सुपरवाइज करना होगा, एक तरह से आप जितनी भी परफॉर्मेंस चेक करना है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, ये तमाम चीज़ें किस्म होता है आपका मिडिल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, ये क्या करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है एट वर्क प्लेस, ताकि एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर सके। जनरली क्या होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी क्या होता है एम्प्लॉयज को जो फोरमैन सुपरवाइजर वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन मिडिल लेवल भी क्या करता है अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है मोटिवेट करता है ताकि बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग करता है, इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन भी देता रहता है, उनको कंट्रोल भी करता है, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको रेक्टिफाई करता है, चेक करता रहता है, और क्या करता है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट से कॉपरेट करता रहता है और इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स विच इज फिट बाई द टॉप लेवल। ये भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये क्या करता है, ये प्लान्स को क्या करता है, ये फ्रेम करता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान को फ्रेम किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, तो वो क्या करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है कहाँ पर, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। तो ये हमारा क्या आपका फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब थर्ड पढ़े हम लोग ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Now, last function of management is lower level management, ठीक है। अब हम लोग lower level management के बारे में पढ़ेंगे। Lower level management क्या करता है? It representing the grievances and problem of workers to the middle level। अब क्या होता है कि जो lower level management होते हैं, जो supervisor होंगे, foreman होते हैं, वो workers को control करते थे, वो check करते थे। कभी क्या होता है कि workers की कोई भी problem होती है, तो वो lower management को कहता है, lower level management क्या करता है? वो उनकी बातों को middle level तक पहुंचाता है। कोई भी उनकी problem होती है, चाहे उनको पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वेलफेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं आपके मिडिल लोअर लेवल से मिडिल लेवल तक बातों को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट्स मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशंस। वो क्या करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं वर्किंग कंडीशन अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो सके, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तमाम इक्विपमेंट्स मशीन टूल्स क्या होती है अच्छे तरीके से कंडीशन होती है उसको बकायदा मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अब वो क्या करते हैं वहाँ पर जो लोअर मैनेजमेंट होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं सबॉर्डिनेट बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, मतलब हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ताकि कुछ चीज़ की प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मैंने जो बताया था कि वर्कर्स की सेफ्टी भी देते हैं, हेलमेट से प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन है कि नहीं, वेंटिलेशन है कि नहीं, ठीक है, मतलब हर चीज़ का सेफ्टी का मेजरमेंट है कि नहीं वहाँ पर, ये तमाम चीज़ें वो चेक करते हैं। इट्स हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स। और क्या करते हैं सुपरवाइजर लेवल क्या करते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है, ये क्या करते हैं कि जो लोअर लेवल पर अगर एम्प्लॉय कोई छोड़ के चला जाता है या एम्प्लॉय जॉब लेफ्ट कर देता है, तो उस जगह पर एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने मिडिल लेवल से बताता है कि मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज कम हो गए हैं, वो छोड़ के चले गए हैं, तो मुझे इतने लोगों को चाहिए, ठीक है, हमें फोरमैन चाहिए या मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को क्या करता है मिडिल लेवल को बताता है। मिडिल लेवल क्या करता है रिक्रूटमेंट करता है, सेलेक्टिंग करता है और वर्कर्स को अपॉइंट करता है। और क्या करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये कम्युनिकेटिंग विद द वर्कर्स एंड वेलकमिंग देयर सजेशन। कभी क्या होता है कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनके वो काम करते करते उनको कोई चीज़ के
आइडियाज हो जाती है, पूरे एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो लो लेवल मेंबर होते हैं वो अपने जो वर्कर से आइडियाज या उनसे कोई सजेशन हो गया, एक तो उनकी इनिशिएटिव देते हैं ताकि वर्कर्स के आइडियाज को फॉलो किया जा सके, जिससे वर्कर क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका मोरल उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है बढ़ता है ना, बूस्टिंग द मोरल एंड वर्कर्स। और क्या करते हैं प्रिसाइज स्टैंडर्ड, और प्रिसाइज स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि जो वर्कर्स काम करते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान किस पर लगाते हैं, प्रोडक्शन लगाते हैं, तो ताकि जो हमारा प्रोडक्ट आउटपुट निकल के आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज रहे, स्पेसिफिकेशन सोचे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है और लो लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये हमारा डायग्राम था, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये तमाम चीजों का फंक्शन पता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।